राहुल गांधी से ईडी की पूछताछ के दूसरे दिन भी कांग्रेस नेताओं ने दिल्ली में अकबर रोड पर प्रदर्शन किया। इस दौरान राजस्थान के पीडब्ल्यूडी मंत्री भजनलाल जाटव और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत ने दिल्ली पुलिस के रवैये को लेकर विरोध जताया। इस अवसर पर राजस्थान के मंत्री भजनलाल जाटव और उद्योग मंत्री शकुंतला रावत से खास बातचीत की हमारी संवाददाता ज्योति सिंह ने। यहाँ पर बात करने के लिए मौजूद है राजस्थान के मंत्री भजनलाल जाटव जी। सर, राजस्थान से दिल्ली तक का आपने सफर तय किया है और दूसरा दिन है राहुल गांधी से जब पूछताछ की जा रही है, क्या आपको भी दिल्ली पुलिस ने रोका रास्ते में? बिल्कुल, हमें दिल्ली पुलिस ने रोका गया है और हम लोगों के साथ रोका ही नहीं गया, मतलब व्यवहार भी कर रहे हैं। हमारे जितने कार्यकर्ता बात करें, हजारों की संख्या में कार्यकर्ताओं को बॉर्डर के ऊपर रोक दिया गया है और उनको बस में बिठा दिया गया है, परंतु कांग्रेस के कार्यकर्ता कोई डरपोक नहीं है। आज़ादी की लड़ाई हम लोगों ने लड़ी है, हमारे पूर्वजों ने लड़ी है, हम आगे भी लड़ेंगे और हमारे नेता के साथ हमेशा हम लोग खड़े रहेंगे। जिस तरीका से हमारे नेताओं के साथ अन्याय किया जा रहा है, हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा श्रीमती सोनिया गांधी जिन्होंने राजनीति से ऊपर उठकर काम किया है, तमाम दलों को साथ में लेकर चला है, विपक्ष को भी साथ में लेकर चले हैं, और जिस तरीका से हमारे पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी जी के साथ जिस तरीका से अत्याचार किया जा रहा है, कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और हम सब लोग कार्यकर्ता एकजुट हैं। दमनकारी सरकार के खिलाफ हम लोग लड़ने के लिए तैयार हैं। भाजपा का कहना है कि जब राहुल गांधी को ईडी ने बुलाया है तो वो अकेले क्यों नहीं चाहते, क्यों इतनी भीड़ इकट्ठा कर रहा? राहुल गांधी जी को ईडी का नोटिस दिया, हम सम्मान करते हैं, चलो ईडी का नोटिस दिया, पर भारतीय जनता पार्टी के लोगों को कितनों को ईडी के नोटिस दिए हैं, अब समझ नहीं पा रहे हैं। जिस केस में कुछ है ही नहीं, वो केस पहले खत्म हो चुका है, उस केस को दोबारा से कहीं ना कहीं से उसको चालू करना चाहते हैं, उसको इसमें कोई तथ्यहीन केस है, एक सिर्फ विपक्ष की आवाज को दबाने के लिए काम किया जा रहा है और इसके अंदर कुछ है ही नहीं। अगर कल की बात करें तो कल भी पूरी दिल्ली जो है छावनी में तब्दील कर दी थी, लेकिन आज भी अगर हम देखें तो कल से कई गुना ज्यादा यहाँ पर न सिर्फ पूरा कांग्रेस हेडक्वार्टर बल्कि दिल्ली छावनी में तब्दील कर दिया। कार्यकर्ताओं के साथ बदतमीजी की जा रही है, कई नेताओं को मिलने नहीं दिया जा रहा है जो नेताओं को डिटेन किया। आप समझ सकते हैं, इससे ये कार्यालय हमारा घर है, इसमें हमारी आत्माएं निवास बसती हैं। यदि इस कार्यालय के अंदर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष बैठती हैं, यहाँ बैठ के हम लोगों के जो भी कार्यकर्ता बनते हैं, जो भी MLA बनते हैं, जो मंत्री बनते हैं, इस ये हमारी संसद है, हमारे कार्यकर्ताओं की संसद है, यहाँ बैठकर यहाँ सारे फैसले होते हैं और वहाँ हमारे जहाँ घर है वहाँ से हमें रोकने का काम किया जा रहा है। इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? घर में घुसने नहीं देंगे, आप समझ सकते हैं इससे बड़ा अत्याचार क्या हो सकता है? सारे फैसले होते हैं। CM अशोक गहलोत भी मिलने पहुंचे थे मंदिर मांग में उन नेताओं से जिन्हें डिटेन किया गया, लेकिन उनको भी नहीं मिलने दिया। आप खुद देखिए, मैं तो आप लोगों से निवेदन करना चाहूंगा, जमा मीडिया के साथी हैं, इससे विपक्ष की जो आवाज़ है इसको दबाने का काम किया जा रहा है। आप लोकतंत्र के चौथे स्तंभ हैं, इस आवाज़ को आप उजागर करें, पूरे हिंदुस्तान में जाए। जिस तरीका से आम जनता जो इन्होंने वायदे किए थे, उन वायदों से जिस तरीका से नौकरी नहीं है, बेरोजगारी है, महंगाई है, उन मुद्दों का ध्यान भटकाने के लिए कांग्रेस का किसी तरह से दमन कर दें, पर कांग्रेस के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं। धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान की PWD मंत्री भजनलाल जाटव, कैमरा पर्सन रिहान के साथ ज्योति सिंह, A1 TV दिल्ली।